कांदाहार। दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि लगभग 2 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी में, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मिनट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक CIA एजेंट के ऊपर जो कि अंडरकवर काम कर रहा होता है अफगानिस्तान के अंदर। अब क्या होता है कि जो उनके हाथ में एक मिशन होता है वो मिशन हो जाता है एक्सपोज। एक्सपोज होने के बाद में तालिबान और ISIS उनके पीछे पड़ जाती है। अब होता क्या है कि वो जो CIA एजेंट होता है उसके साथ में उसका एक साथी भी होता है। अब उन दोनों को कांदाहार पहुंचना है। कांदाहार अगर वो पहुंच जाएंगे तो वो तालिबानी सेना और ISIS से बच जाएंगे। अब इसी बीच में जो पूरा का पूरा घमासान होता है वो सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी की जब शुरुआत होगी ना तो 1 घंटे 20 मिनट तक तो आपको कुछ खास मजा नहीं आएगा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट गुजर जाने के बाद जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा, जो थोड़ी बहुत आपको वॉर दिखाई जाएगी, उसमें आपको मजा आएगा। यानी कि लास्ट के 30-40 मिनट्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, उसमें आपको फाइट देखने में मजा आएगा। ओवरऑल मूवी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। शुरू में स्क्रीन प्ले जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बोर करेगा और बाद में आप मूवी के अंदर कनेक्ट हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगा, जो इस मूवी का स्क्रीन प्ले है वो सेकंड हाफ में ज़्यादा अच्छा है, बट फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा स्लो है। और बाकी जितने भी करेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, खासकर जेरार्ड बटलर की। उन्होंने जो इस मूवी के अंदर काम किया है उनकी एक्टिंग से आप पूरी मूवी के अंदर कनेक्ट रहने वाले हो। और वहीं जो अली फैजल है, उन्होंने ISIS एजेंट का रोल निभाया है। जो उन्होंने काम किया है दोस्तों ISIS एजेंट का, उनकी भी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।